क्लास सेवेंथ, वेलकम बैक। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर फोर्थ, पावर एंड एक्सपोनेंट्स। आज हम सीखेंगे, जैसे कि कल हमने सीखा था कि कैसे एक्सपोनेंट्स के ऊपर हम मल्टीप्लिकेशन का रूल कैसे लगाते हैं और डिवीजन का रूल कैसे लगाते हैं, और उससे रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स को हमने सॉल्व भी किया था। आज हम फर्दर सिंप्लीफाई करेंगे चीज़ों को। कुछ नया नहीं है, रूल वही हैं जो आपको बता रखे हैं, बस थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है क्वेश्चन कि कल वाला बिल्कुल एक स्टेप में हो रहा था, तो आज हम दो या तीन स्टेप में जाकर के अपना क्वेश्चन जो है वो कम्प्लीट हो जाएगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर फोर का थर्ड पार्ट है, तो उसको हम कैसे सोल्व करेंगे। आपका क्वेश्चन है माइनस टू एक्स रेज टू पावर फाइव वाई स्क्वेयर कम्प्लीट की पावर है सेवन। सो हमें क्या करना पड़ेगा, क्योंकि सेवन ये सभी आपस में मल्टीप्लाई में है और बाहर पावर कितनी है सेवन, तो इसको जब हम ओपन करेंगे तो माइनस टू की पावर कितनी हो जाएगी सेवन। एक्स की पावर फाइव ऑलरेडी है और उसकी पावर फिर कितनी हो जाएगी सेवन, एंड वाई की पावर टू ऑलरेडी है, उसकी भी पावर हम कितना कर देंगे सेवन। नेक्स्ट माइनस टू रेज टू पावर सेवन, आप उसको काउंट कर सक, आप देखिएगा क्योंकि माइनस में है और पावर जो है वो ओल्ड है, तो उसका मतलब आंसर जो आपका किस में आएगा माइनस में। अब टू रेज टू पावर सेवन कितना होता है 128। एक्स रेज टू पावर फाइव रेज टू पावर सेवन, जब पावर की पावर होती है, तो कल मैंने आपको बताया था कि इसको हम कैसे सोल्व करते हैं, पावर की आपस में क्या हो जाती है मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स रेज टू पावर कितना हो जाएगा फाइव इंटू सेवन कितना हो जाएगा 35, एंड वाई रेज टू पावर कितना हो जाएगा टू मल्टीप्लाई सेवन यानी कि 14। यही आपका क्या आ जाएगा आंसर। ठीक है, सिंपल है, जब भी पावर की पावर होती है तो उसको हम क्या करते हैं मल्टीप्लाई कर देते हैं। उसके बाद इसी तरीके से आपके फोर्थ के बाकी पार्ट आपके सॉल्व हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर फाइव है जो, वो भी कुछ ऐसा ही है। वहाँ पर आपको जैसे कि क्वेश्चन दिया गया है, सी पार्ट है उसका, क्या है कि 3a स्क्वायर रेज टू पावर 3 डिवाइड बाई माइनस 3a रेज टू पावर 6। सो इसको हम कैसे सोल्व करेंगे, सेकंड स्टेप, पहले इसको ओपन करेंगे ब्रैकेट को, जो 3 पावर है कंप्लीट की, तो इसका मतलब वो 3 की भी पावर है, 3 रेज टू पावर 3, ए रेज टू पावर 2 पहले से है उसकी पावर कितनी हो जाएगी 3। अलग अलग से ओपन कर लेते हैं हम इसको, ये एज इट इज़ रहेगा माइनस 3 ए रेज टू पावर 6। अब 3 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा, 3 3 ज़ा 9 एंड 9 3 ज़ा 27, और ए रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 3 कितना हो जाएगा ए रेज टू पावर 2 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 6 डिवाइड बाई माइनस 3 ए रेज टू पावर 6। अब देखिएगा माइनस 3 से 27 कैंसिल हो जाएगा माइनस 9 पे, क्योंकि डिवाइड है, और अंदर क्या बचेगा ए रेज टू पावर 6 माइनस सॉरी डिवाइड ए रेज टू पावर 6, क्योंकि नंबर को तो हम अलग से डिवाइड कर चुके हैं, माइनस 9 आया, तो माइनस 9 ए रेज टू पावर 6 को ए रेज टू पावर 6 से हम जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर कितना आएगा, ए रेज टू पावर 6 माइनस 6 रूल के मुताबिक क्या होना चाहिए, जब डिवीजन है तो पावर क्या होती है माइनस, और उसके बाद आंसर कितना आ जाएगा माइनस 9 इंटू ए रेज टू पावर 0। और कल मैंने आपको बताया था कि जब किसी भी चीज़ की पावर 0 होती है तो उसका मतलब होता है 1, यानी कि 9 माइनस 9 की और 1 की मल्टीप्लाई आप करोगे तो आंसर कितना आ जाएगा माइनस 9। क्लियर, तो आपको सिंपल स्टेप वाइज सॉल्व करते जाना है, रूल वही हैं जो कल आपको सिखाए गए थे, तो इस तरीके से आपके बाकी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। एक आपका क्वेश्चन है, जैसे कि नेक्स्ट आपका एक क्वेश्चन है माइनस टू एक्स रेज टू पावर 2 वाई रेज टू पावर 3। देखिएगा पावर अगर किसी की 2 है, रेज टू पावर 2 है, तो उसको हम स्क्वेयर बोल सकते हैं, और 3 है तो उसको क्यूब बोला जा सकता है, यानी कि इसको हम कैसे रीड कर सकते हैं माइनस 2 एक्स स्क्वेयर वाई क्यूब रेज टू पावर 4 यानी कि कंप्लीट की पावर कितनी है 4 मल्टीप्लाई 1 बाई 2 एक्स फोर एक्स रेज टू पावर 4
एंड वाई रेज टू पावर 7 एंड कंप्लीट की पावर हाफ की 4। ठीक है, तो अब आपको क्या करना है, हम स्टेप वाइज ओपन करेंगे। तो इसको हम ओपन करेंगे तो अलग अलग से क्या हो जाएगा, माइनस टू की पावर कितनी हो जाएगी, 4। एक्स का स्क्वायर ऑलरेडी है और उसकी पावर अलग से कितनी हो जाएगी, 4। वाई क्यूब की भी पावर कितनी हो जाएगी, 4। मल्टीप्लाई 1/2 रेज टू पावर 4, तो यानी कि 1/2 की पावर अलग से कितनी हो जाएगी, 4। इंटू एक्स की 4 पहले से है, उसकी भी पावर कितनी हो जाएगी, 4। एंड वाई रेज टू पावर 7 पहले से है तो उसकी पावर भी 4। ठीक है, अब इसको ओपन करेंगे। माइनस टू रेज टू पावर 4 माइनस में है बेस और पावर जो है वो इवन है, तो इसका मतलब आंसर प्लस में आएगा। और 2 रेज टू पावर 4 कितना होता है, 16। तो उसको हम क्या लिखेंगे, 16। एक्स रेज टू पावर 2 रेज टू पावर 4, पावर की पावर है तो आपस में क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, यानी कि एक्स रेज टू पावर 4 टू जा 8 हो जाएगा। वाई रेज टू पावर 3 रेज टू पावर 4, 3 4 जा 12, क्योंकि पावर की जब पावर होती है तो उनकी आपस में क्या हो जाती है, मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई आगे क्या है, माइनस 1/2, यानी कि 1 की पावर तो चाहे कितनी भी कर लो, 4 करोगे तो भी 1 रहेगा, 2 की पावर 4 करोगे तो कितना हो जाएगा, 16। एक्स रेज टू पावर 4 एंड रेज टू पावर 4, तो 4 एंड 4 की क्या हो जाएगी, मल्टीप्लाई, 16। वाई रेज टू पावर 7 है ऑलरेडी और उसकी पावर 4 है तो उनकी मल्टीप्लाई होकर के कितना आ जाएगा, 28। अब हम देख पा रहे हैं मल्टीप्लाई है बीच में, ये 16 है, ये न्यूमरेटर में है, डेनोमिनेटर में, तो ये तो आपस में क्या हो गया, कैंसिल। और क्या बचा, एक्स रेज टू पावर 8 मल्टीप्लाई एक्स रेज टू पावर 16, एक्स वालों को इकट्ठा लिख लेते हैं। वाई रेज टू पावर 12 मल्टीप्लाई के लिए हम डॉट लगा रहे हैं, वाई रेज टू पावर 28। जब बेस सेम है तो पावर क्या हो जाती है, ऐड, तो यानी कि एक्स रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 8 + 16। एंड वाई रेज टू पावर कितना हो जाएगा, 12 + 28। फाइनल आंसर कितना आ जाएगा, 16 जब 8 में आप ऐड करोगे तो 24, एक्स रेज टू पावर 24 एंड वाई रेज टू पावर 12 + 28 कितना हो जाएगा, 40। तो ये आपका क्या आ गया, आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से आपको स्टेप वाइज सॉल्व करने हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 6, वहाँ पर आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। बिल्कुल देखिएगा किस तरीके से है क्वेश्चन। जैसे पहला क्वेश्चन है आपका, वो दिखा रखा है कि एक्स रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 64। तो यहाँ से आपको एक्स की वैल्यू निकालनी है। तो अब ये देखिएगा, ये किसकी पावर में है, 6 की पावर में है, तो 64 को भी हमें कितना लिखना है, जिसकी पावर कितनी हो, 6। तो इसका बेस हमें ढूंढना पड़ेगा। तो वो कैसे पता चलेगा, 64 के क्या निकाल लो, प्राइम फैक्टराइजेशन, रफ साइड में प्राइम फैक्टराइजेशन जब आप करके देखोगे, तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि इस तरीके से जब हम सोल्व करते हैं 64 को, सबसे पहले 2 पे 32, अगेन 2, 16, अगेन 2, 8, अगेन 2, 4, देन 2, सो 1, 2, 3, 4, 5, 6। यानी कि 64 को हम क्या लिख सकते हैं, नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, इम्प्लाइज का साइन लग जाएगा, क्योंकि इक्वल पहले से है, एक्स रेज टू पावर 6 और 64 को हम क्या लिख रहे हैं, 2 × 2 × 2 × 2 × 2 × 2 और इसको हम क्या लिख सकते हैं, एक्स रेज टू पावर 6 इज इक्वल टू 2 की 6 टाइम मल्टीप्लाई था, 2 रेज टू पावर 6। अब यहाँ से आप देखिएगा, पावर अगर सेम है तो इसका मतलब बेस भी क्या होने चाहिए, सेम होने चाहिए। सो एक्स कितना आ गया, 2। क्लियर, सिंपल है बिल्कुल। इसी तरीके से नेक्स्ट क्वेश्चन आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, नेक्स्ट बहुत आसान है इससे भी। वहाँ पर आपको दिखाना है -3 रेज टू पावर एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू, आपको दे रखा है -243। तो अब देखिएगा इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व करेंगे। अब जैसे कि कल हमने क्वेश्चन नंबर
कल नहीं, इससे पीछे वाली एक्सरसाइज में आपने क्वेश्चन एक सोल्व किया था जहाँ पे हमने ये सीखा था कि जो भी नंबर आपको दे रखा था उसको एक्स भी -3 के रूप में दिखाना है, 5 के रूप में दिखाना है, 5 की पावर के रूप में, या 25 की पावर के रूप में दिखाना है। तो क्या किया था हमने, वही यहाँ पर करेंगे। जो एक्स वाला पोर्शन है उसको ऐसे कैसे रखूँ, -3 raised to power x - 1, ठीक है। यानी कि अब हमें क्या करना है, -243 को 3 की पावर के रूप में दिखाना है, -3 की पावर। माइनस तो अपने आप हम लगा देंगे। अब देखिएगा 243 है ऑलरेडी माइनस में है, तो इसको 3 से डिवाइड कर लीजिए आप, मतलब प्राइम फैक्टराइजेशन के रूप में, और तब तक करते जाइए जब तक ये कंप्लीट सोल्व ना हो जाए। तो जब आप 3 से इसको डिवाइड करोगे तो कितना आएगा यहाँ पर, 381। उसके बाद अगेन 3 से जब सोल्व करोगे तो कितना आएगा, 27। अगेन 3 से सोल्व करोगे, 9, देन 3। सो 243 को हम क्या लिख सकते हैं, 1 2 3 4 5, यानी कि 3 की मल्टीप्लाई कितनी बार, 5 टाइम्स। तो सीधा ही आप लिख दो बेसिक से कि -243 को हम क्या लिख सकते हैं, -3 raised to power 5, क्योंकि माइनस में था तो हमने माइनस में रख लिया। अब यहाँ से देखिएगा बेस बिल्कुल सेम है, इक्वल का साइन है, तो इसका मतलब पावर भी क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। तो आप लिख दो यहाँ पर, बिकॉज बेस आर इक्वल सो पावर मस्ट बी इक्वल, कि अगर बेस सेम है तो पावर भी क्या रहने चाहिए सेम। सो हमें क्या मिला, x-1, यानी कि इसके एक की तो पावर कितनी है, x-1 है, और यहाँ पर पावर कितनी है, 5। तो x-1 किसके इक्वल हो गया, 5 की। तो यहाँ से x की वैल्यू कितना आ जाएगा, 5, -1 उधर आ करके +1, सो x इज इक्वल टू 6, क्लियर। सो इस तरीके से आपका सोल्व हो गया, यानी कि x की वैल्यू कितनी आ गई, 6। बाकी के जो पार्ट है वो आप सेल्फ अपने आप ट्राई करेंगे, एक ही पार्ट बच गया है। उसके बाद बिल्कुल आसान है, नेक्स्ट में 3/4 raised to power 4 है, और उसकी मल्टीप्लाई 3/4 raised to power 5 के साथ है। तो एक साइड को हम सोल्व कर लेंगे, दोनों साइड दोनों बार 3/4 की मल्टीप्लाई हो रही है, एक बार पावर 4 है, एक बार 5 है। सेम बेस है, मल्टीप्लाई हो रही है, तो पावर कितनी हो जाएगी, ऐड हो जाएगी। तो वो कितना आ जाएगा, 3/4 raised to power 9, और इक्वल में आपको दिया गया है 3/4 raised to power 5x-1। तो वहाँ पर भी आप क्या करोगे, आप लिखोगे कि बिकॉज बेस आर इक्वल सो द पावर मस्ट बी इक्वल, तो 9 इक्वल हो जाएगा 5x-1 की। तो वहाँ से आपको x की वैल्यू निकालनी है, निकाल लीजिएगा। और कुछ इसी तरीके से 6th क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है, जो डी पार्ट है, वो भी आप सॉल्व करोगे। उसके बाद है हमारा, ओके आज के लिए इतना ही काफ़ी है, बाकी जो 7th और 8th क्वेश्चन है वो हम कल करेंगे। आज वाले क्वेश्चन हैं जो बिल्कुल ध्यान से करने हैं आपको, कुछ भी नया रूल नहीं है, बस ध्यान में रखना है जो रूल कल सिखाए थे, कि अगर किसी की पावर 0 है तो वो 1 होता है, उसके बाद अगर डिवाइड हो रहे हैं सेम बेस है तो पावर माइनस होंगी, मल्टीप्लाई हो रहे हैं बेस सेम है तो पावर ऐड होंगी, और अगर पावर की भी कोई पावर है तो वो मल्टीप्लाई हो जाएगी। बस इन्हीं बातों का ध्यान रखते हुए आपको सोल्व करने हैं क्वेश्चंस, ठीक है। बाय बाय स्टूडेंट्स।